हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 16, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। फर्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ऑन 1 अप्रैल 2018 देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर 8 लाख, 6 लाख एंड 6 लाख। ऑन 1 अक्टूबर 2018 ए एडवांस 1 लाख टू द फर्म, वेयर एज सी टुक अ लोन 1,50,000 from the firm on the same date. It was agreed among the partners that C will pay interest 10% per annum. Profit for the year ended 31st March 2019 to 4,20,000 before allowing or charging interest on loans. Pass general entries for interest on loans and prepare current accounts of the partners. हम solution देखते हैं इसका। इसमें देखिए, इसमें भी इंटरेस्ट ऑन लोन का ही क्वेश्चन है, तो ये आप लोग को बहुत अच्छे से अब पता चल गया होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसकी एंट्री नहीं होती है। तो पहले हम यहाँ लिख लेंगे बाय प्रॉफिट। प्रॉफिट दिया हुआ है 4,20,000। अब On 1 October 2018, A advanced 1 lakh to the firm. A ने फर्म को लोन दिया है, उसके बदले में फर्म A को इंटरेस्ट देगा, तो इसका इंटरेस्ट हमारा जाएगा डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन A's लोन। इसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1 lakh। 1 lakh है इसका, अक्टूबर में इसने दिया है, अक्टूबर से लेके मार्च तक 6 मंथ, एंड इसमें रेट नहीं दिया हुआ है, तो इसमें कितना हो जाएगा 6%। 1 lakh इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 3000। यहां हम लिख लेंगे 3000। अब ए का हमारा कंप्लीट हुआ। सी टुक अ लोन ऑफ 1,50,000 फ्रॉम द फर्म। सी ने फर्म से लोन लिया है, इसके बदले फर्म सी फर्म को इंटरेस्ट देगा, तो ये फर्म के लिए एक इनकम हो गया, तो इनकम की एंट्री हम करते हैं क्रेडिट साइड। तो सी का लोन हम क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन सीज लोन, इंटरेस्ट ऑन सीज लोन। यहाँ ये वाला एंट्री एक बार फिर से आपको मैं समझा दूँ। सी टुक ए लोन ऑफ 1,50,000 फ्रॉम द फर्म ऑन द सेम डेट। 1 अक्टूबर को सी ने फर्म से लोन लिया है, इसके बदले में सी फर्म को इंटरेस्ट देगा, तो ये फर्म के लिए एक इनकम हो गया, तो इसलिए हम इसे लिखेंगे क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन सीज लोन। इसका कितना हो जाएगा 1,50,000 इंटू, यहाँ डेट 1 अक्टूबर है, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 डिवाइडेड बाय 12 इंटू, यहाँ रेट दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है इट वाज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स दैट सी विल पे इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। तो यहाँ हम लिखेंगे 10 × 10 / 100 इज इक्वल टू 7,500। बस ये क्वेश्चन, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो गया, इसे हम बैलेंस कर लेंगे। 7,500 प्लस 4,20,000 माइनस 4,24,500। ये हम लिख लेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ए बी एंड सी। 4,24,000 आया है हमारा, एंड हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इक्वली है, तो तीन पार्टनर्स हैं, हम 3 से डिवाइड कर देंगे। 4,24,500 / 3 इज इक्वल टू 1,41,500।
तो हम ये 1,41,500 तीनों में लिख देंगे, 1,41,500। एंड लास्ट वन 1,41,500, टोटल ये हो जाएगा 4,24,500। टोटल 4,27,500, 4,27,500। अब ये ट्रांसफर हो जाएगा, इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ इसने इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है। तो इसमें अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें नहीं बनाना है, ये वाला हमारा डायरेक्ट करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। करंट अकाउंट इसमें क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ फिक्स्ड कैपिटल दिया हुआ है। फिक्स्ड कैपिटल दिया हो तो हम करंट अकाउंट बनाएंगे। करंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस की एंट्री नहीं होती है, तो डायरेक्ट हम प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस। 1,41,500, 1,41,500 एंड 1,41,500। इसमें डेबिट साइड हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन सीज लोन, सी ने कंपनी से लोन लिया था, उसके बदले में सी ने कंपनी को इंटरेस्ट दिया है, तो सी में ये एक्सपेंस में हम पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट में हम सी के एक्सपेंस कॉलम में हम इसको फिल करेंगे डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन लोन 7,500। बस ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम इसे बैलेंस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा टू बैलेंस सीडी 1,41,500 and 1,41,500 minus 7,500 1,34,000। ये हमारा ये कंप्लीट हो गया, इसे हम बैलेंस भी कर लेंगे। स्टूडेंट्स इसमें बस सी वाले लोन को समझना है, ए वाला तो सिंपल बन जाएगा। सी का, सी ने फर्म से लोन लिया है तो इस सी का इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री हम पार्टनर्स करंट अकाउंट में करेंगे। सीज लोन अकाउंट हम अलग से नहीं बनाएंगे, इसमें हम सिर्फ ए जोन अकाउंट बनाएंगे। यहां हम देख लेते हैं बाई बैंक कितने का लोन दिया था ए ने फर्म को, 1,00,000 का, 1,00,000 इसमें इंटरेस्ट कितना है बाई इंटरेस्ट ऑन लोन 3,000। टोटल कर देंगे हम टू बैलेंस सीडी 1,03,000। बस ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें हमें जनरल एंट्री भी बनाना है, वो भी हम देख लेते हैं। पहले हम एज लोन अकाउंट की जनरल एंट्री बनाएंगे, तो यहां करेंगे इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ए लोन की एंट्री हमने क्या की थी, एज लोन अकाउंट में हमने की थी, तो इसके अगेंस्ट में हम लिखेंगे टू एज लोन अकाउंट। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट इसमें हम अमाउंट कितना डालेंगे, इंटरेस्ट ऑन ए का कितना अमाउंट आया था 3,000 3,000 and 3,000 3,000। ये हमारा ए का जनरल एंट्री बन गया। अब हम सी का बनाएंगे, सीज करंट अकाउंट, सी के इंटरेस्ट ऑन लोन हमने करंट अकाउंट में उसकी एंट्री की थी, तो हम यहां लिखेंगे सीज करंट अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन सीज लोन 7,500। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन सीज लोन लोन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
अमाउंट 7500 एंड 7500। स्टूडेंट्स, यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट कर लिया। अगर आपको मेरा बताया हुआ क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड कॉमेंट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।